हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टेट्स इन हिंदी, और आज हम देखने वाले हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता है कि MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, लेकिन ये तीनों एग्जैक्टली करते क्या हैं और इसको क्यों लाया गया किसी प्रोग्रामिंग में? तो ये सारे सवालों के आंसर आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो MVC बहुत सारी जगह पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बुक में काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है एज अ बिगिनर लेवल, क्योंकि ये थोड़ा जो बुक में दिया होता है वो उन लोगों को समझ में आता है जो काफ़ी टाइम से ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या तो फैमिलियर हैं, लेकिन जो बिगिनर का कोई स्टूडेंट है या कोई डेवलपर है तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से इसे समझ जाएं कि ये मॉडल व्यू और कंट्रोलर तीनों एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर और कुछ नहीं, एक कोड को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने का एक तरीका है। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है कि जिसके ज़रिए आप कोड करते हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो MVC की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लो आप कोर PHP में काम कर रहे हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ट्रेडिशनल स्टाइल में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तब होगा क्या? सपोज़ मान लो कि आपको एक लिस्ट डेटा डॉट PHP पे काम करवाना है, और वो पेज क्या है कि स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको फैच करके उस पेज पे शो करवानी है। तब होगा क्या कि आप बेसिक डिज़ाइनिंग उसी पेज में करोगे, लिस्ट डेटा डॉट PHP में, और फिर बाद में वहाँ उसी पेज में आप क्वेरी भी लिखोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और बाद में अगर आपने क्वेरी रन भी कर दी तो फिर उसी पेज में आप लॉजिक लिखोगे वो वाइल लूप में डाल के कि जितने भी रिकॉर्ड फैच हो रहे हैं उसको लूप में हम शो करवा दें उसी पेज पे। तो अब दिक्कतें कहाँ जाती है कि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और मल्टीपल डेवलपर्स हैं उसमें, तो होगा क्या कि अगर डिज़ाइनर ने वो पेज अभी तक रेडी नहीं किया है तो अब आपके पास पेज ही नहीं है, तो वहाँ पर आप क्वेरी कहाँ से लिखोगे? तो आपको बैठा रहना पड़ेगा तब तक जहाँ तक वो पेज नहीं आ जाता, या तो फिर उसने पेज बना दिया है और जो लॉजिक बनाने वाला बंदा है उसने लॉजिक भी बनाने का शुरू कर दिया है, लेकिन जो डेटाबेस वाला बंदा है उसने क्वेरी ही नहीं लिखी, या तो उसका डेटाबेस अभी तक प्रॉपर रेडी नहीं हुआ, तो आप लॉजिक नहीं बना पाओगे, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाती हैं। तो इसलिए हम एक तरीका निकालते हैं जिसको कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें कुछ और नहीं होता, हम कोड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो अब ये मॉडल व्यू और कंट्रोलर करते क्या हैं? तो जो 3 चीज़ में ये कोड डिवाइड होता है, तो पहला है मॉडल। मॉडल में क्या होता है कि जो डेटाबेस के रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है, चाहे फैच करना हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है तो वो हम करेंगे मॉडल में, ठीक है। व्यू में क्या होगा कि हम हमारा डिज़ाइनिंग करेंगे, जो हमारा डिज़ाइन पार्ट है जिससे हमारा यूज़र जो इंटरेक्ट करेगा, तो वो सारा पार्ट आता है व्यू में कि जो यूज़र को दिखाई देगा, HTML, CSS और JS, jQuery, जो भी आप यूज़ करते हो। और है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है कि ये मॉडल और व्यू को ब्रिज करता है, और कंट्रोलर में ही आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, मतलब जो आप वो वाइल लूप वाला लॉजिक लिखते थे, तो वो एक मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो आपने डेटा फेच किया फिर उसको शो करवाना है, तो वो शो करवाने का जो आप लॉजिक लिखते थे वो एक कंट्रोलर का लॉजिक है। या तो आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो, तो किसी ने इनपुट दिया व्यू से 2 + 3, तो 2 + 3 का आंसर आप लॉजिक जो लिखते हो, आंसर इज़ इक्वल टू a+b, तो जो वो आपने लॉजिक लिखा वो आता है कंट्रोलर में। तो आई होप आपको ये समझ में तो आ गया, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं भी ये सोच रहा था कि अगर कोई बंदा है जिसको यहाँ से समझ में नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, तो क्या ऐसा बनाएं कि जिससे आप रिलेट कर पाओ? तो मैंने एक बड़ा ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल निकाला है जिसके ज़रिए आप MVC को अच्छे से समझ में जा जाएगा। तो चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पर आपको खाने का ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑर्डर देना है कि आपको कुछ, फॉर एग्जांपल डिश XYZ आपको ऑर्डर करनी है। तो यहाँ पर आप क्या हो? आप यूज़र हो, आपको कुछ चाहिए, ठीक है। अब जो चीज़ आपको चाहिए वो क्या है? XYZ नाम की डिश, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुलाना पड़ेगा वेटर को, ठीक है। तो वेटर आएगा,
अब आप ये वेटर को बताओगे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपने बोल दिया कि मुझे ये डिश चाहिए, तब ये वेटर के पास तो वो डिश होती नहीं है, तो वेटर क्या करता है, वेटर जाता है शेफ़ के पास कि कोई बंदे ने ये डिश ऑर्डर की है तो तुम्हें ये बनानी है, ये बना के मुझे दे दो। तो ठीक है, ये बंदा वेटर कहाँ जाएगा, शेफ़ के पास, और शेफ़ उसे बनाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो बंदा है यूज़र, ठीक है, तो ये एक यूज़र है, ठीक है। अब इसने एक्स वाई जेड डिश के लिए यहाँ पर ऑर्डर किया, तो ये ऑर्डर गया वेटर के पास। अब वेटर के पास डिश है नहीं, तो वो गया शेफ़ के पास कि ये मुझे बना के दो। अब शेफ़ ने वो डिश बना के वापस वेटर को दी, और वेटर ने उसे लाके यूज़र को दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें MVC कैसे आए, देखें, ये जो बंदा है यूज़र और इसको जो चीज़ चाहिए एक्स वाई जेड नाम की डिश, ठीक है, तो ये बंदा यूज़र है जो आपकी वेबसाइट इंटरेक्ट कर रहा है। एक्स वाई जेड नाम की डिश मतलब आप कोई डेटा मांग रहे हो कि जैसे मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो ये आपने क्या किया, ऑर्डर किया, मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहो तो आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, वेटर। तो यहाँ पर वेटर क्या है, कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, उसको पता है कि मुझे कहाँ से ये डेटा मिलेगा, वेटर को पता है कि डिश कहाँ से, कौन सा शेफ़ मुझे बना के देगा, तो वो जाएगा पर्टिकुलर शेफ़ के पास, ठीक है। अब शेफ़ क्या है, मॉडल, इसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जिससे वो चीज़ बनाई जा सकती है। तो मॉडल क्या करेगा कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिश प्रिपेयर करेगा, क्योंकि वेटर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो मांगा है वो उसको बनाना है। तो उसी तरह मॉडल का काम है कि मॉडल के पास पूरा डेटाबेस है, वो पूरे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसी फंक्शन को कॉल करेगा और वही क्वेरी बनाएगा कि जिससे जो यूज़र ने मांगा है वो आंसर मिले। आप कह रहे हो कि मुझे उस स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जो 1996 और 1997 में बर्थ हुए हैं, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में से वो क्वेरी फैच करेगा और वो स्टूडेंट लिस्ट वापस से वेटर को दे देगा। तो कंट्रोलर ने क्या किया, मॉडल के पास गया, मॉडल ने डेटाबेस में से डेटा निकाला, रिजल्ट रेडी किया और कंट्रोलर को दिया। अब मॉडल को नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट किसने की थी, वो तो कंट्रोलर जानता है, वेटर जानता है ना कि कौन से टेबल से हमें ऑर्डर आया है, तो कंट्रोलर को वो वापस देगा और कंट्रोलर जिसकी वो डिश जिसने ऑर्डर की है उसे पहुंचा देगा। तो यहाँ पर ये क्या है, जो डिश है वो है व्यू, जो एग्जैक्टली यूज़र को चाहिए, ठीक है। जो वेटर है वो है कंट्रोलर, कि जो मॉडल मतलब कि जो शेफ़ है वो और यूज़र कस्टमर दोनों के बीच ब्रिज प्रोवाइड करता है, कि इसको दोनों चीज़ें पता है कि इसने ये जो डिश ऑर्डर की है तो वो कौन सा शेफ़ बनाएगा, तो वो उसी शेफ़ को जाके देगा, ठीक है। ये नहीं कि जो शेफ़ चाइनीज़ बनाते हैं उसको पंजाबी डिश जाके दे दे, तो ऐसा नहीं करेगा, इसको सब कुछ पता है कि कौन सा शेफ़ क्या बनाता है, तो वो शेफ़ के पास जाएगा। और शेफ़ को नहीं पता कि कौन से टेबल से ये ऑर्डर आए, तो वो तो ये वेटर को ही बुलाएगा, और वेटर को पता है कि किसने ये ऑर्डर किया था, तो वो उसे वापस दे देगा। तो कंट्रोलर दोनों चीज़ें जानता है कि यूज़र क्या मांग रहा है और कौन सा फंक्शन ये मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा, तो वो उसी फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। और जो फंक्शन ने रिटर्न किया तो कंट्रोलर को पता है कि ये रिक्वेस्ट कौन से व्यू से आई थी, तो मुझे कौन से व्यू में उसे पहुंचाना है, तो ये भी मैनेज कंट्रोलर करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है चीज़ों को, इसलिए इसे कंट्रोलर कहा जाता है। व्यू क्या है, यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जिससे रिक्वेस्ट भेजता है, इनपुट देता है। और जो मॉडल क्या है, रिक्वायर्ड डेटा को मैनिपुलेट करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वॉट इज़ MVC। एम मतलब मॉडल जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, शेफ़ कंट्रोलर मतलब जो यूज़र और शेफ़ के बीच कंट्रोलिंग करता है वो कंट्रोलर, वेटर, और व्यू जो आपने डिश मांगी थी, अप्रोप्रिएट डेटा मांगा था वो, और जो आप हो वो यूज़र। सो बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया कि वॉट इज़ एग्जैक्टली MVC, कैसे काम करता है ये। तो अब आप जब फ्रेमवर्क में जाओगे तो आपको अच्छे से यही पिक्चर दिमाग में आएगी कि MVC क्या करता है, और ये तीनों चीज़ों से आप अच्छे से समझ जाओगे कि MVC क्या है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब ये है एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ MVC। तो वही चीज़ है कि यूज़र है वो क्या करता है कि वो व्यू देख सकता है। अब उसने सपोज़ कोई फॉर्म है तो उसमें इनपुट दिया, तो वो जाएगा किसके पास, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर ने देखा कि ये फॉर्म इसने भरा है तो मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है,
तो वो जाएगा मॉडल के पास, मॉडल अपना इंसर्शन कर देगा और ये उसको प्रोवाइड करेगा व्यू को कि भाई तेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अगर अपडेट किया हुआ है तो सेम रिक्वेस्ट होगी, इसने फॉर्म में अपडेट किया, कंट्रोलर को पता है कि अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना है, वो मॉडल का अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेगा, मॉडल वो फंक्शन चलाएगा, आउटपुट है वो वापस व्यू को भेज देगा कि भाई तेरा अपडेट हो गया है और यूज़र को वो दिखने लगेगा। सो सिंपल तरीका है व्हाट इज़ MVC। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि व्यू मतलब जो यूज़र को दिखता है, जिसके ज़रिए यूज़र इनपुट देता है, कंट्रोलर जो कि दोनों के बीच ब्रिज है, कि मॉडल मॉडल जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करके अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, तो कंट्रोलर व्यू और कंट्रोल मॉडल के दोनों के बीच ब्रिज प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज़ MVC। सो बने रहिए CSE टच इन हिंदी के साथ, क्योंकि अब फ्रेमवर्क सीरीज शुरू होने वाली है। सो देखते रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू। We'll be right back.